कैसे हो फ्रेंड? मैं तो अच्छी हूँ। आप सब प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप कैसे हो। और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, इस टाइम पे मैं सब्जी काट रही हूँ। क्यों पता है? क्योंकि कल मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो सबसे पहले मैं कल जो मैं लंच बनाने वाली हूँ उसी का प्रिपरेशन करके रात में रख लेती हूँ, तो आसान हो जाते हैं काम। तो अभी ये काकरोल काटने के बाद मैं स्टडी करने बैठूँगी। बहुत दिन हो गया था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया था, तो आज मैं थोड़ा सा ये भी निपटा लूँगी काम। तो चलो मिलती हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आप मेरा फेस नहीं देख पा रहे, अभी आ गई हूँ किचन में और आज बना रही हूँ काकरोल का भाजी बना रही हूँ कंदा देकर। ये खाने में बहुत टेस्टी है, हेल्दी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नमक और हल्दी दे दूंगी। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए निकाल रही हूँ। ये गर्म पानी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हो रहा है, रुक में देख रही हूँ। अभी 12:20 हो चुका है और अभी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी आज लंच में बना रही हूँ जो काकरोल बोलते हैं उसका। मैं पहले सोच रही थी कि भाजी बना लूँ, लेकिन प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसका सब्जी बना लेती हूँ और आलू को तो दाल। तो एकदम सिंपल सा लंच है आज का और बहुत टेस्टी। ये काकरोल का जो सब्जी है ना, ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ और बहुत हेल्दी है सेहत के लिए। काकरोल इसका बहुत सारे बेनिफिट है। मैं क्या बताऊँ, इसका जब थोड़ा सा स्टडी किया काकरोल को लेकर, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे जानने को मिला। मैं बहुत जल्दी वो इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप जो इससे जो आपको फ़ायदा मिलेगा उससे आप दूर ना रहो। क्योंकि ये बरसात के मौसम है ना, इस टाइम पर ये काकरोल बहुत मिलता है और इसका फ़ायदा हर किसी को उठाना चाहिए। और आजकल का जो कोरोना का जो चल रहा है वायरस, तो ये बहुत काम का है। ये काकरोल का बेनिफिट ना, मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ आप सबके लिए, तो उस वीडियो को देखना, फिर आपको ऐसा लगेगा जी हाँ इसका तो प्रयोग करना चाहिए। कितना सब हिंदी बोल लेती हूँ। चलो अदरक लहसुन को कूट के फिर आती हूँ आपसे मिलूँ। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, ये देखो। पता नहीं आप देखा होगा, दिखाया पाई या नहीं। ये देखो बारिश हो रहा है फिर से। ये दूसरा बारिश होता है ना, और बहुत गर्म देता है, वेदर पूरा गर्म हो जाता है। मेरा हाल बहुत बेकार है।
फ्रेंड, कल जो मैं वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे कमेंट आया था, जिनमें से मैंने कमेंट में भी आंसर कर दिया था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो में भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं ना वीडियो में, कहती हूँ तो आसान हो जाता है, हर किसी को पता चल जाता है। तो बस अभी मैं खाना बना रही हूँ। एक तो सब्ज़ी मेरा बन चुका है, वो काकरोल जो मैं रात में काट के रख लिया था ना फ्रेंड, तो उसके वजह से बहुत आसान हो गया मेरा खाना बनाना। वो काकरोल की सब्ज़ी मेरा बन चुका है, और अभी पोस्तो बनाऊंगी। तो पोस्तो बनाने में बहुत इजी है, क्योंकि आलू और ऑनियन को हल्का सा फ्राई कर लो, उसके बाद पोस्तो में हल्दी नमक और ये पानी डाल के थोड़ा सा चला लो, फिर पानी सूख जाएगा उसे उतार लो, बहुत जल्दी बन जाता है पोस्तो, और मुझे खाने में बहुत पसंद है। किस किस को आलू पोस्तो खाना पसंद है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बीच में मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है, जो मैं कह रही थी कि आप में से बहुत सारे फ्रेंड मुझे पूछा कि आपका फादर इन लॉ के अलग से खाना बनाते हैं, एक तरफ से देखा जाए हाँ और एक तरफ से देखा जाए ना, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ अलग खाना बनाते, इसका एक रीज़न है। ये नहीं कि मैं नहीं बनाती, मैं भी बनाती हूँ, और मेरे सासू माँ मेरे मदर इन लॉ हर किसी का खाना खा लेते हैं। अगर आप पांच जन का खाना बना के रख लो, पांच जन का खाना ही खा लेगा ऐसा, क्योंकि ऐसा होता है, इन लोगों का परेशानी होते हैं, मुझे समझ में आता है। लेकिन जिन लोगों का पसंद नहीं, यानी कि समझ में नहीं आता है, अगर बोलती हूँ तो वो बहुत आश्चर्य होते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। जैसे कि आपको पता है मेरे मदर इन लॉ का थोड़ा सा नर्व का प्रॉब्लम है, तो मेंटल प्रॉब्लम है, तो इसीलिए कुछ समझता नहीं है, खाना भूख कब लगता है क्या नहीं लगता ये सब उनको समझ में नहीं आता है, खाते जाओ ऐसा हो जाता है उनका, वो हर किसी का खाना खा लेती है। लेकिन इसीलिए क्या होता है ना, मेरे फादर इन लॉ जब काम से आते तब बना कर खाते हैं, और बना कर कोई खाना रख देते तो पूरा खा लेते हैं मेरे मदर इन लॉ, और इसीलिए तो ये जो हम लोग का मीट केस है ना, इसीलिए ताला जैसे बना के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड उनको हम खाना नहीं देते हैं, उनके हिस्से हम देते हैं, जब उनका खुद का हिस्सा खाना हो जाता है ना, दूसरों के हिस्से में खाते हैं, फिर दूसरों का हिस्सा जब खा नहीं पाते उसको क्या करते हैं, लेके फेंक के आते हैं बाहर। तो इसीलिए ना हम लोग का जो मीट केस है, उनका खाना निकालने के बाद हम लोग का खाना मीट केस में ताला लगा कर रखना पड़ता है, ताकि वो एटलीस्ट खाना खाए ठीक है, लेकिन खाना ना खा पाने के बाद ना वो ना किसी को खाने नहीं देते, फेंक के आ जाते हैं डस्टबिन पर। तो इसीलिए हम लोग ना मीट केस बनाया है, उसे ताला लगा के रख लेते हैं। आई होप मैं समझा पाई, उनका थोड़ा सा ये इशू है, तो इसी वजह से ना फादर इन लॉ अलग से खाना बनाते हैं, और फादर इन लॉ लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, गैस में उतना पसंद नहीं करते हैं। मैं कभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी उनका लकड़ी का जो स्टॉक है ना, कितना काट के रखा हुआ है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा था, और अभी आपके साथ कुछ शेयर करूँगी, आप उसे भी देखो, आप समझ में आएगा। अभी मैं फ़ैन निकालने के लिए गई हूँ, राइस मेरा हो चुका है, तो अभी अभी ना मेरे मदर इन लॉ किचन में आएगा, उनका लंच हो चुका है, फिर भी वो ना लंच करने के बाद कुछ आके ढूंढती है खाना खाने के बाद, उनको ना ये समझ में नहीं आता है उनका पेट भर गया है कि नहीं, इसका बहुत प्रॉब्लम है, ये देखो क्या कर रही है अभी। अभी तो आप मुझे देख गए कि मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन सच बताओ मेरे मदर इन लॉ का लंच हो चुका है अभी, तो लंच करने के बाद भी ना उनका भूख नहीं मिटता है, वो बहुत कुछ खाते हैं, तो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप में से बहुत सारे फ्रेंड मुझे कमेंट करके पूछा था, मैंने सोचा चलो आंसर कर देती हूँ, कॉमेंट सेक्शन में तो आंसर करती हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग पूछते रहते, तो मैं सोचा चलो वीडियो में ही बता देती हूँ आप सबको। तो उनका थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम है ना फ्रेंड, तो इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता है भूख क्या है, कब खाना है कब खाना नहीं है, कितना खाने के बाद पेट भर जाते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए फ्रेंड, आप सबसे बात करते करते मैं दाल का जो घटी है ना, इसको दाल घटनी बोलते हैं हम लोग बंगाली में, तो उसे भी निकाल लिया है, पानी में डाल दिया है, ये भी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आलू छौंक लगा दूंगी, आलू नहीं दाल को छौंक लगा दूंगी, और मेरा राइस बन चुका है, राइस का फैन भी निकालने के लिए गई हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड, ये पाँच आदमी का एक ही जन खा लेते हैं, उनके इतना खाने के बाद भी इनका हेल्थ इतना पतला है, पता नहीं कौन सा ये है, इसका स्टोमक है जो हजम हो जाता है।
तो अभी अभी आके देखा ना, अभी खा के गए, 10 मिनट बाद फिर से आएंगे। सब हर चीज़ मैं वीडियो में शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि पता नहीं कौन क्या किस नज़रिया से देखेंगे, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें ना आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड कमेंट कर दे तो मैंने इसीलिए बताना सोचा, तो मैंने बता दिया। आई होप समझोगे आप मेरे बात को। एक मेंटल पेशेंट के साथ घर में रहना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं मेरे लाइफ बहुत ईजी मैं चलती हूँ, बहुत हंसते हंसते मैं बिताती हूँ, कुछ भी ऐसे कुछ ये नहीं करती हूँ। क्या बोलना चाहती हूँ पता नहीं। और देखिए मेरा दाल भी मेरा हो चुका है, इसको बस छौंक लगाऊंगी। और पोस्ट तो भी एक साइड हो रहा है, देखते देखते। हाँ, जो फ्रेंड मैं कह रही थी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, ऐसे वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब बहुत सारे पेशरेज आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं, तो बताना पड़ता है, तो इसीलिए बताया आपको। आई होप आप समझेंगे, तो आपका आंसर भी आप मिल गया है आपको। तो इस वीडियो में बहुत कुछ मैं शेयर कर रही हूँ, आई होप आप गलत माइंड से मत लीजिएगा। आप में से बहुत सारे फ्रेंड, मैं बार बार अगेन कह रही हूँ, बहुत सारे फ्रेंड मुझे पूछा था, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म में नहीं भी करना चाहिए क्योंकि बहुत नेगेटिव ही ज़्यादा फैलता है, पॉजिटिव भी ज़्यादा कम फैलता है और नेगेटिव भी ज़्यादा फैलता है, इसीलिए सब कुछ शो नहीं करती हूँ मैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी बेडरूम में आ गई हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़ा सा अरेंज करके रख रही हूँ, उसके बाद घर का पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए बारिश के पानी में भीग रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ फिर भी नहीं सुन रहे हैं, इस तरह से ही करते हैं, मेरे बात तो कुछ सुनते नहीं है। और मेरा पूरा घर एकदम से पोछा भी लगा चुकी हूँ, उसके बाद फिर भी पूरा कपड़ा गीला करके पूरा पानी पानी कर देते हैं, फिर से मुझे पोछा लगाना पड़ता है। तो जैसे कि आपने देखा अभी बारिश में भीग रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ होते हैं, मैं वीडियो में कैप्चर होते हैं लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर नहीं करती हूँ, मुझे गंदा लगता है इसीलिए तो शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैंने किया क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड मुझसे जानना चाहते थे, इसीलिए आई होप मेरे बात को समझेंगे। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना इस बातों को और इस वीडियो को गलत तरीके से मत लेना, क्योंकि मुझे ये सब बातों को बहुत डर लगता है मुझे। तो जैसे कि आपने देखा पूरा भीग गए थे, यानी कि पूरा भीग के नाइटी वाइटी चेंज भी नहीं किया, उसी नाइटी में थे। ऐसे अभी तो कोरोना का टाइम है, ऐसे बारिश के पानी में उनको तो ज़्यादातर नहीं भीगना चाहिए, लेकिन सुनते नहीं है, घर में कोई रहता नहीं है, मेरे बात तो कुछ सुनते ही नहीं है, मैं बोलती हूँ एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते, क्या करूँ इसी तरह से मैं रहती हूँ। चलो मैं फिर से पोछा लगा लेती हूँ दोबारा से, लेकिन अभी खाना बनाने के बाद मैं लगाऊंगी फिर से, अभी दोबारा से नहीं। ये देखो फ्रेंड कितना बड़ा बड़ा अमरूद गिरा है, देख पा रहे हैं पूरा पक गया है। ऐसा वाला ना सुमित खाना पसंद करते हैं, और मेरा फादर इन लॉ। उधर भी एक गिरा है, चलो लेके आते हैं, सूज पहन लेते हैं। ये जंगल में मंगल करना है, ये देखो पक गया है, चलो धो लेते हैं इसे, धोकर
रख देते हैं। इतना पका हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे इसको पसंद है। इसमें रखती हूँ, आधा पोछा लगाना हुआ है, आधा बाकी है अभी। और अभी 1:10 हो चुका है। पोछा लगाते लगाते स्टॉप हो गई क्योंकि इधर ना सब्जी बैठाया मैंने, सॉरी चलाया है ना, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये हो रहा है आलू पोछ, तो मैं सांस नहीं ले पा रही, इतना फटाफट से घर पोछा लगा है ना, हो ही गया है। इसको उतार लेते हैं और इधर दाल को फिर छौंक लगाऊंगी, हो जाएगा मेरा खाना बनाना। ये रहा काकरोल की सब्जी, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है। और ये रहा आलू पोस्तो, और ये मसूर का दाल। और इधर मैं दिखा दूँ, ये गोंद्रस लेबू है और ये अनियन। तो लंच वंच करके अभी बैठी हूँ, अभी बारिश हो रहा है, अभी बारिश बंद हो रहा है, अभी धूप निकल रहा है, ऐसा ही हो रहा है पूरा आज दिन ऐसा हुआ। तो आपने देखा, मैं वॉइस ओवर करके आप सबको बताया, फिर भी मैं सोचा नहीं चलो बता देती हूँ। जैसे कि आपने पूछा था, तो ये सब इशू है फ्रेंड, इसीलिए। और सुमित का कराटे सो रहे हैं नीचे, बहुत गर्मी है, बिजली चला गया है, ये ना बहुत दिन से चल रहा है। अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 4:10 हो चुका है। मैं भी थोड़ा सा लेटे वीडियो को एडिट ही कर रही थी, मैंने सोचा चलो फिर से मैं सामने से बता देती हूँ। तो प्लीज़ ये जो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है, प्लीज़ इसे गलत तरीके से मत देखिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड, अगेन मैं बोल रही हूँ, आप में से बहुत सारे फ्रेंड मुझसे पूछा था, तो मैंने इसीलिए शेयर किया। बहुत सारे वीडियो शूट करने के टाइम ना हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ उसको एडिट करके कट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये शेयर करना ठीक नहीं समझती हूँ। इसीलिए आगे आप कुछ देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि आगे मैं कुछ भी ऐसा कुछ शेयर नहीं करूँगी। तो ऐसा क्या होता है ना, बंगाली में बोलते हैं हम लोग कि ऊपरे थुथु फैलने नीचे गाय पड़े, ऐसे बंगाली में बोलते हैं। तो मैं सोचती हूँ इसी तरह से मैं अगर मेरे इन लॉज के फैमिली के बारे में कुछ ऐसा बोलूँगी तो मेरे ऊपर ही आएगा बाद में। अब जाके सबको इन्जॉय कर लेंगे, लेकिन कभी ना कभी इसी बात को मेरे ऊपर ही आएगा। तो ये सब मैं शेयर नहीं करती हूँ, आगे से आप समझेंगे मेरे बात को। और आज जो काकरोल का जो सब्जी बना था, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया फ्रेंड, सुमित को एकदम अच्छा नहीं लगा। और पोस्तो और दाल बहुत अच्छा बना था। और क्या बोलना है, और कुछ नहीं बोलना है, इस वीडियो को मुझे एक बार दियन करना है, क्योंकि आगे का कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, पूरा अंधेरा है और गर्मी बहुत लग रहा है। सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए हेयर को खोल दिया, क्योंकि हेयर सिक्योर करके वीडियो शूट करती हूँ ना, फेस थोड़ा सा कैसा लगता है। तो इसीलिए मैं अभी ये विंडो के सामने बैठूँगी, थोड़ा सा हवा आता है तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ही आता है, उतना कुछ नहीं। बाहर देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हवा आ रहा है, लेकिन हवा नहीं आता है। हम लोग का ये रूम ना थोड़ा सा एकदम सा हवा कुछ नहीं आता है। कब मुझे ऐसा घर का नसीब मिलेगा जो जहाँ पर किचन होगा, अलग से बड़ा सा किचन होगा, हवा आता रहेगा, एयर प्योरीफाई जो बोलते हैं वैसा होते रहेगा, सनलाइट आते रहेगा रूम में, ऐसा कुछ मुझे रूम चाहिए। पता नहीं नसीब में क्या होगा नहीं। तो चलो फ्रेंड, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर दियन करती हूँ। और आज का जो कुछ मेरे पर्सनल कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर किया, कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है। और बस सब्सक्राइब करना और इसी तरह से प्यार देते रहना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।